चलते चलते आपकी टांगों में तेज दर्द होने लगे और आपकी टांगें लड़खड़ाने लगे, या फिर बैठते समय और उठते समय आपको अपने घुटनों में तेज दर्द महसूस होता हो, या फिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने के बाद जब आप उठने का प्रयास करते हैं तो आपका घुटना पूरी तरह से लॉक हो जाता है। यदि ये सब आपके साथ हो रहा है तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसके कुछ दिन अभ्यास मात्र से ही आप अपने घुटने दर्द की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप वास्तव में घुटने दर्द की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खट्टी चीजों का सेवन बंद कर देना है। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। अगली और महत्वपूर्ण बात, आपको नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले आपको अपने दोनों घुटनों में नी कैप को पहन लेना है और नी कैप पहनने के बाद आपको अपने एंकल ज्वाइंट्स में कम से कम 1 किलो वेट एक पैर में बांध देना है, ठीक है? आपको दो छोटे छोटे स्टूल लेने हैं, दोनों स्टूलों के बीच हल्का सा गैप रखना है, ठीक है? उसके बाद आप दीवार का सहारा लें या फिर एक ऐसा डंडा ले लें और इन स्टूल पे चलने का आपको अभ्यास करना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना है। पहले एक पैर ऐसे ऊपर रखा, घुटने को मोड़ा, अपने शरीर को हल्का सा आगे की ओर ऐसे प्रेस किया, जो पैर नीचे रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है? अब जो पैर ऊपर है उसके घुटने पे आपको खिंचाव महसूस करना है, दबाव महसूस करना है। कम से कम 10 सेकंड तक यहाँ पे रुके रहें। 10 सेकंड के बाद दूसरा पैर ऊपर उठाएं और जो टेबल उससे आगे है ना उस वाली पे रखें ऐसे पैर को, और फिर 10 सेकंड के लिए रुके, सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, ठीक? ऐसा करना आपने, दीवार के सहारे करें, बिना सहारे के आपको ये अभ्यास नहीं करना है। और फिर उस पैर को नीचे वाले टेबल में रखें, दोनों पैर एक साथ रखें। अब जो पैर आपने पहले ऊपर रखा था उसको नीचे लेके ऐसे आए, ठीक? ऐसे आपको करना है। यदि आपके पास दो स्टूल्स नहीं है तो आप अपनी सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं, आप सीढ़ियों पे ये अभ्यास कर सकते हैं। फिर 10 सेकंड रुकने के बाद पैर ऊपर रखा और पैर अगली वाले स्टूल पर रख दिया, 10 सेकंड के लिए रुकना है। फिर 10 सेकंड के बाद पैर नीचे और फिर ऐसे वापस आ जाना है, ठीक है? ऐसा आपको लगातार 2 से 3 मिनट करना है। फिर ऊपर ये, फिर नीचे ऐसे, फिर ऊपर ये, फिर वापस नीचे ऐसे। अब अगला अभ्यास आपको करना क्या है, एक हाथ दीवार पर रखना है, एक हाथ से डंडा पकड़ना है और पैर को ऐसे हल्का हल्का हिला देना है। 1 2, पैर सीधा रखना, 3 4 5 6 7 8
ओके, दूसरे पैर से जैसे करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऐसे करने से ना आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपके जो लड़खड़ाने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो आपके घुटने में स्टिफनेस है, घुटने में दर्द है या घुटना जाम हो गया, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। अगला अभ्यास आपने क्या करना है ना, ऐसे धीरे धीरे ये कदम ताल जैसे करना है, एक पैर ऊपर उठाया नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। फिर पैर को ऐसे हिला दें, ये अगला अभ्यास। दीवार के सहारे ही खड़े होना है, पैर को घुटने से मोड़ के ऊपर उठा दिया, जितना आपका घुटना मोड़ता है उतना मोड़ना, फिर पैर को ऐसे हिलाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको दूसरे पैर से करना है, घुटने को मोड़ दिया, पैर ऊपर उठाया और हिलाना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर को नीचे रख दिया। अब फिर ऐसे चलने का प्रयास करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक्सरसाइज को आपको बहुत धीरे धीरे करना है, 10 मिनट तक या 15 मिनट तक आपको लगातार एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करते समय सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। यदि थकान लगे तो कुछ देर बैठ जाना है, फिर दोबारा से शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।